गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। और यहाँ पे सुबह के 7 बज गए हैं, बेटी की तो छुट्टी है और बेटे को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया था और अब मैं यहाँ पे बैठ के चाय पी रही हूँ। और सुबह के 7 बज गए हैं तो मैं रोज़ डेली इसी टाइम पे यहाँ पे बैठ के चाय पीती हूँ। तो चाय पीने के बाद मैंने परी को उठाया, तो जैसे ही मैंने उसको आवाज दी तो उसने कंबल पूरा मुंह तक ले लिया। परी खड़े हो बेटा, परी ने रात में ही बोल दिया था कि मम्मी मुझे लेट उठाना, पर हम मम्मियों की आदत तो ऐसी ही है ना कि जल्दी उठा दो। तो परी तो उठी नहीं, तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया, क्योंकि आज मैंने झाड़ू लगा दिया क्योंकि परी की छुट्टी थी, तो बेटे का तो लेट था स्कूल, तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया, फिर बेटे को रेडी किया। उसके बाद अंजू नन्नू को छोड़ के आई और उसने भी फटाफट से पोछा लगाया, तो झाड़ू पोछा हो गया है हमारा। उसके बाद पापा भी नहा के आए और पापा ने पूजा करी। मॉर्निंग की पूजा पापा ही करते हैं। तो बेटे की स्कूल के लिए थोड़ा टाइम था, तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी भी काट दी और सब्ज़ी बना के साथ ही साथ बेटे का टिफ़िन भी रेडी कर दिया। और तब तक पापा भी आ गए, पापा अपने कलर लगा रहे थे, तो पीछे के बालों में कलर खुद से नहीं लग पाता है, तो मैंने पापा के कलर लगा दिया क्योंकि अब शादी का सीज़न भी आ रहा है तो कलर तो लगाना ही पड़ेगा ना। बेटे के स्कूल में दशहरे का प्रोग्राम था, तो आज उसको ट्रेडिशनल ड्रेस पहना के भेजा है। तो यहाँ पे मैं चुन्नू को छोड़ने चली गई स्कूल। तो यहाँ पे मैं नहा के भी आ गई और यहाँ पे परी अपनी जो है पेंटिंग पूरी कर रही थी, क्योंकि एक दिन में तो ये पेंटिंग पूरी नहीं होगी ना, क्योंकि उसको अपना होमवर्क भी करना होता है। तो उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। तो यहाँ पे मम्मी पापा ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि मम्मी पापा जैसे जैसे रोटी बनती है मम्मी पापा अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने लास्ट में एक साथ ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि परी की छुट्टी है तो वो लेट ही खाती है, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे किचन भी क्लीन कर दिया है और मम्मी ने देखो यहाँ पे हर बर्तन में पानी भरा है, और मम्मी लोगों की तो आदत होती ही है ना पानी भरने की, कितनी भी बार बर्तन खाली कर देंगे पर मम्मी फिर भी उसको भर देती है पानी से। और यहाँ पे मैंने अपना रूम भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे जो ये कुशन है ये परी ने अपने भाई को उसके बर्थडे में गिफ्ट किया था चुन्नू को। अब यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ चुन्नू को लेने जाने के लिए। आपको अच्छा लगा? हैं? चलो तो आप दीदी को बाय कर दो। तो आज दिन का खाना मैंने बना दिया था, तो खाना बना के मैंने थोड़े से बर्तन थे वो धोए, फिर किचन साफ़ किया, क्योंकि खाना बनाते हुए किचन तो थोड़ा गंदा हो ही जाता है। और यहाँ पे दाल भी रेडी है और रायता भी रेडी है और चावल तो बन रहे। तो यहाँ पे अंजू नन्नू को स्कूल से लेके आ गई थी, तो हमने फटाफट से खाना खाया। और यहाँ पे मिमी मेरे से खीरा मांग रही थी, उसको खीरा बहुत ही पसंद है। तो फिर लंच के बाद थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद चाय बनाई। और मम्मी तो कीर्तन में जा रखी थी, तो पापा अपने लिए और अंजू के लिए चाय बनाई। तो यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई है। चाय पीने के बाद हम मार्केट चले गए थे फ्रूट्स लेने। मिमी को साथ में नहीं लेके आए क्योंकि वो सो गई थी और वो कुछ लेने भी नहीं देती है। और यहाँ पे मैं फ्रूट्स वाले भैया को बोल रही थी कि थोड़ा रुपए कम लगाओ, हम आपको अपने ब्लॉक में भी ले लेंगे। आने के बाद मैं छत में चली गई टंकी देखने, क्योंकि मम्मी ने मोटर चला रखी थी कि टंकी भरी कि नहीं भरी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर कर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।